नमस्कार, जय माता जी। आज हम साउथ ईस्ट अग्निकोण के बारे में बात करते हैं। अग्निकोण सबको मालूम है कि ये अपने किचन की दिशा है, तो किचन इधर होना चाहिए। और किसी किसी के घर में ये सुविधा नहीं हो सकती है, नहीं पॉसिबल नहीं होता है, तो साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे आज। तो मुख्य दिशा चार है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उसके चार कॉर्नर मुख्य, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, और एक एक दिशा और भी है। तो इसके टोटल दिशा 16 होती है। तो 16 हिसाब से महावास्तु को देखा जाता है। महावास्तु में कुछ अगर रेमिडेस करना है तो 16 दिशा हिसाब से डिवाइड करना होता है घर के हिस्से को। तो आज हम डिटेल में देखते हैं कि साउथ ईस्ट क्या है। साउथ ईस्ट आपकी कैश लिक्विडिटी है, कैश है। किसी को पैसा दिया तो पैसा रिटर्न आना चाहिए। तो अगर वास्तु दोष साउथ ईस्ट में हो गया तो हम लोग को पैसा रिकवरी नहीं आएगा, कैश लिक्विडिटी रिकवरी नहीं होगी। तो पहले डिटेल में देखते हैं कि पुंजारूम इधर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कदापि पुंजारूम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ देवी माँ की, दुर्गा की, लक्ष्मी जी की, कोई भी माता जी की अगर पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कर सकते हैं। मल्टीप्लस गॉड, गणपति, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, जो भी है देवी देवता मल्टीप्लस, तो उसको इधर नहीं स्थापित कर सकते हैं, सिर्फ देवी माँ की। अभी आगे बढ़ते हैं, बेडरूम इधर अच्छा है कि नहीं है। बेडरूम अच्छा है इधर, बराबर है, ठीक है, बट इसके अंदर किसी के घर में तनाव हो जाता है हस्बैंड वाइफ में, तो ये बार चार्ट के हिसाब से अगर बड़ा हुआ है, तो अगर आपने रेड कलर बिछा दिया बेडशीट में, अगर पिंक कलर बिछा दिया तो तनाव होएगा, झगड़ा होएगा। तो उसके लिए आपको पीले कलर की या ऑफ वाइट कलर की आपको बेडशीट बिछानी है। आगे बढ़ते हुए, अगर इधर टॉयलेट आ गया, वास्तु दोष सबसे बड़ा, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, जो भी वाटर अंडरग्राउंड टैंक, तो ये आपका कैश जो है, किसी को पैसा दिया वो ब्लॉक कर देगा, पैसा आएगा नहीं। बंदा पैसा लेकर भाग जाने का 101% चांस है, या देगा ही नहीं। तो इधर टॉयलेट आ गया, तो टॉयलेट के अंदर आपको रेमिडेस करना पड़ेगा, जो उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो रेड टैप और कॉपर स्ट्रिप से आपको इधर टॉयलेट को ब्लॉक करना है। ओके, टॉयलेट यूज कर सकते हैं, बट उसको स्ट्रिप डाल के या कलर टेप डाल के आप करना है, ठीक है, रेमेडीज वही है। तो आगे में, अगर इधर तो एक्चुअली टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए साउथ ईस्ट में। दूसरा बात, अभी किचन आप बोलते हैं ना कि मेरा तो किचन साउथ ईस्ट में है, तो आज देखा देखी में आपने गलतियां क्या कर दी। कितने भी घर पे जाता हूं देखने के लिए, विजिट करने के लिए, तो इधर ब्लैक ग्रेनामाइट डाल देते हैं साउथ ईस्ट में। ब्लैक ग्रेनामाइट, आपने कैश लिक्विडिटी को ब्लॉक कर दिया। ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ड्रवर, किचन का ड्रवर जो है वो किचन ड्रवर आपने ब्लू कलर का कर दिया। कई घर में देखता हूं कि ब्लू कलर का कर देते हैं, तो आपके कैश नहीं आएगी। मैरिज का प्रॉब्लम आएगा, मैरिज नहीं होगी, मैरिज डिले होगी। सेप्टिक टैंक होने से भी, टॉयलेट होने से भी, ब्लू कलर आने से भी, ब्लैक कलर आने से भी, तो ये फायर जोन है, अग्नि है, तो इधर किचन होना चाहिए, बराबर है। अगर किसी ने वीडियो देखकर रेड कलर का बल्ब डाल दिया और ये बार चार्ट में बड़ा हुआ, यानी कि ये एक्सीडेंट है और आपने रेड बल्ब डाल दिया, तो एक्सीडेंट 101% है, तो वो एक्सीडेंट करवाएगा।
इधर रेड बल्ब डालना है तो देख के, अगर कट है हिस्सा तो रेड बल्ब डाल सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अगर स्वस्तिक डालते हैं तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस करना है बार चार्ट के हिसाब से। इधर कलर ब्लू कलर नहीं आना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। अगर किचन का स्लैब है तो उसको ग्रीन कर दो, बार चार्ट के हिसाब से रेड कर दो या पीला कलर का कर दो। बाकी जो दीवार है क्रीम कलर ऑफ व्हाइट की होनी चाहिए। आपने बेड के ऊपर भी अगर रेड कलर डाल दिया और घर में रूम में पिंक कलर का कर दिया तो भी तनाव होएगा हस्बैंड वाइफ में, ये ध्यान रखना है। तो आगे साउथ ईस्ट में अगर एंट्रेंस आ गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले भी मैं सजेस्ट किया है इस बारे में कि भाई इधर एंट्रेंस कर दी और इधर सेप्टिक टैंक कर दिया, वाटर टैंक कर दिया या बोरिंग कर दिया, तो घर में एकलता आएगी। एकलता आएगी बोलेगा तो घर से मुख्य कमाऊ व्यक्ति को आप खो देंगे, जवान लड़के को खो देंगे। चाहे कैसे भी वो घर से निकल जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। तो साउथ ईस्ट में एंट्रेंस, नॉर्थ वेस्ट में वाटर, एकलता का कॉम्बिनेशन है। नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस, साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड टैंक, सेफ्टी टैंक आ गई तो एकलता का कॉम्बिनेशन है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर बर्नर आपने किचन के बाहर, बात करते हैं तो किचन में अगर साउथ ईस्ट में आपने बर्नर रखा या साउथ साउथ ईस्ट में बर्नर रखा तो ही ठीक है, क्योंकि इसके बाजू में ईस्ट साउथ ईस्ट है। आपको मैप बनाना नहीं आता या डिग्री देखना नहीं आता है, आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में रख दिया है चूल्हा, तो शुगर प्रेशर की बीमारी, जो भी बीमारी स्टार्ट होती है ईस्ट साउथ ईस्ट से ज्यादातर। तो ये ध्यान दें कि आपका बर्नर ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। खाना बना के आपने इधर रखना नहीं है ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में रखो या साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में रखोगे पावर कॉन्फिडेंस, तो पावर कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए साउथ ईस्ट में ही बर्नर रखना है। बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय माता जी।